जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए जानते हैं भाद्रपद मास सोमवती अमावस्या कब है, पूजन विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व। अखंड सौभाग्य के लिए इस दिन सुहागिन रखेंगी सोमवती अमावस्या का व्रत। जाने तारीख और मुहूर्त, खासकर जब अमावस्या तिथि सोमवार को पड़ जाए तो इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और पूजा पाठ करती हैं। साथ ही इस दिन पवित्र नदियों में स्नान दान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इस साल भादो के महीने में सोमवती अमावस्या पड़ रही है। सोमवती अमावस्या पड़ने वाली है। भाद्रपद माह की अमावस्या सितंबर महीने के 2 तारीख को पड़ रही है। ऐसे में 2 सितंबर 2024 को सोमवती अमावस्या का व्रत रखा जाएगा। साथ ही इस दिन पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पिंड दान करने का बहुत महत्व है। मान्यता है कि इस तिथि पर ऐसा करने से जीवन के हर दुख और कष्ट दूर होते हैं। सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के मुताबिक भादो मास की अमावस्या 2 सितंबर 2024 को सुबह 5:21 पर शुरू होगी और 3 सितंबर 2024 को सुबह 7:24 पर समाप्त होगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से सुबह 5:24 तक है और पूजा का मुहूर्त सुबह 6:09 से सुबह 7:44 तक है। सुहागिन महिलाएं लगाती हैं 108 फेरी। सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। सुबह सुबह नहा धोकर 16 श्रृंगार करती हैं और पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं। विधि विधान से पूजा करने के बाद कच्चा धागा लेकर पीपल वृक्ष की 108 बार परिक्रमा लगाती हैं और पेड़ में रक्षा सूत्र बांधती हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। इसके बाद आटे की गोलियां बनाकर मछलियों और चींटियों को खिलाएं। पीपल, बरगद, केला और तुलसी जैसे पेड़ लगाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इसमें देवता निवास करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।